वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके मेज़बान नूर फातिमा कुरैशी। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कनाडा में मुंजमद रूसी असासों की कदर में कमी। कनाडा ने 24 फरवरी से 7 जून तक रूसी लेन देन में 289.1 बिलियन डॉलर ब्लॉक किए। जून के बाद से सिर्फ 1.6 मिलियन डॉलर के इजाफी लेन देन को रोका गया। कैनेडियन माहौल दोस्त हाइड्रोजन रूस के मसले का हल नहीं है। कैनेडियन माहिरीन का कहना है कि नई मसनूआत की कीमत बहुत ज्यादा है। कैनेडा फिलहाल वाफर मकदार में ग्रीन हाइड्रोजन पैदा नहीं कर सकता। अमेरिका का माहौलियाती तब्दीली का बिल कैनेडा के लिए फायदेमंद होगा। कैनेडियन माहिरीन का कहना है कि बिल पर अमल दरामद से कैनेडा की मकामी सनत को फरोग मिलेगा। बिल के असरात कैनेडियन कानकनी के शोबे पर भी पड़ेंगे। अफगानिस्तान में फौजी मिशन के खात्मे का मतलब सिफारती और फलाही मिशन का खात्मा नहीं। अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि उम्मीद है कि तालिबान अफगान अवाम से किए गए वादों की पासदारी करेंगे। ईरान को हर सूरत एटमी हथियारों की तैयारी तर्क करना होगी। अमरीकी कांग्रेस के वफद का दौरा ताइवान। चीन ने दोबारा फौजी मशकें शुरू कर दी। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द समंदर और फजाई हदूद में जंगी मशकों का अहतमाम किया। चीनी हकाम का कहना है कि ताइवान को एक दिन चीन में जम कर दिया जाएगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein. www.greenish.com. Ghar mein sabki healthy life ke liye. मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा में मुंजमद रूसी असासों की कदर 2 माह पहले के मुकाबले में कदरे कम है। जून के अवाइल से रूसी ट्रांजेक्शन में सिर्फ 1.6 मिलियन डॉलर ब्लॉक हुए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में मुंजमद रूसी असासों की कदर 2 माह पहले के मुकाबले में कदरे कम है। जून के अवाइल से रूसी ट्रांजेक्शन्स में सिर्फ 1.6 मिलियन डॉलर ब्लॉक हुए हैं। RCMP के जरिए जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक जून के अवाइल से यूक्रेन के खिलाफ जंग के जवाब में व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशों के तहत कनाडा की तरफ से मुंजमद किए गए रूसी असासों की मालियत में कमी आई है। जबकि कनाडा की तरफ से सिर्फ 1.6 मिलियन डॉलर के इजाफी लेन देन को रोक दिया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक मेजर्स एक्ट के तहत कनाडा और कनाडा से बाहर तमाम कैनेडियंस को RCMP को उनके कब्जे या कंट्रोल में किसी ऐसी जायदाद के बारे में मुतला करना चाहिए जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कनाडा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किसी फर्द या इदारे की मिल्कियत या कंट्रोल है, जो साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के गैर कानूनी हमले के बाद नाफिज किया गया था। अगरचे इस एक्ट का निफाज और निज़ाम एक्ट वजीर खारजा के मातहत किया जाता है, RCMP नामजद अफराद की जेर मिल्कियत या कंट्रोल शुदा असासों के बारे में मालूमात इकट्ठा करता है। RCMP की एक पहले की रिलीज के मुताबिक 24 फरवरी से ओटावा ने 289.1
मिलियन डॉलर तक रूसी लेन देन में ब्लॉक कर दिए। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मालूम नहीं है कि कनाडा की पाबंदियों की फहरिस्त में कितने अफराद और इदारों के असल में कनाडा में असासे हैं। कनाडा के तवनाई के माहरीन ने खबरदार किया है कि जर्मनी को कैनेडियन हाइड्रोजन फरोख्त करने का मुआहदा यूरोप के तवनाई के बहरान के हल्के सिर्फ एक छोटे दूर दराज और महंगे हिस्से के तौर पर काम करेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के तवानाई के माहरीन ने खबरदार किया है कि जर्मनी को कैनेडियन हाइड्रोजन फरोख्त करने का मुआहदा यूरोप के तवानाई के बहरान के हल्के सिर्फ एक छोटे दूर दराज और महंगे हिस्से के तौर पर काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अहलकार ने शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान एक हाइड्रोजन मुआहदे पर दस्तखत होंगे, जो दोनों ममालिक के दरमियान कई महीनों की बातचीत का इख्तिताम है। कनाडा और जर्मनी के दरमियान होने वाले मुआहदे से ईंधन के तलबगार जर्मनी को कनाडा में अपनी नौइयत के पहले मंसूबे के लिए पहला बड़ा गाहक बनने की उम्मीद है। जर्मनी आमतौर पर अपनी कुदरती गैस का निस हिस्सा रूस से हासिल करता है और रूसी बरामदात से खुद को छुड़ाने के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती हल तलाश कर रहा है। हामियों का कहना है कि हाइड्रोजन डील कनाडा की ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री के लिए एक अहम वक्त पर आती है, जो अभी इब्तदाई मराहिल में है। कुछ माहरीन का ये भी कहना है कि नई मसनूआत की कीमत बहुत ज्यादा है और वो जर्मनी के मुस्तकबिल करीब में मदद नहीं कर सकेगी। कनाडा के पास अभी तक इतना बुनियादी ढांचा नहीं है कि वो बड़ी मिकदार में ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर सके या इसे बहुत फासले पर बरामद कर सके। माहरीन का कहना है कि इस मंसूबे के लिए बहुत सारे मुतालिका इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की जरूरत है, इससे पहले कि हम दूसरे ममालिक में हाइड्रोजन की बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर सकें। हाइड्रोजन को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए मुमकिन तौर पर माया में ठंडा करने की जरूरत होगी। इसे खास तौर पर मवाफिक पाइपलाइन या टैंकर में लोड किया जाएगा और जब यह अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो इसे दोबारा गर्म किया जाएगा। ये अमल बहुत महंगा पड़ता है। अमरीकी कांग्रेस की तरफ से चंद रोज कबल मंजूर किया गया आबो हवा का तारीखी बिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मुंतकली में कनाडा के किरदार को मजबूत करने में अहम किरदार का हामिल हो सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कांग्रेस की तरफ से चंद रोज कबल मंजूर किया गया आबो हवा का तारीखी बिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मुंतकली में कनाडा के किरदार को मजबूत करने में अहम किरदार का हामिल हो सकता है। सदर जो बाइडन ने इस साल के शुरू में US डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट की दरख्वास्त की थी, जिससे वो ऐसे मंसूबों को फंड देने की इजाजत देगा जिससे अमरीकी हरीफों पर इन्हिसार कम हो। कैनेडियन हुकाम पर उम्मीद है कि इस रकम में से कुछ कनाडा में बैटरी के अज्जा के नए मंसूबे बना सकते हैं। अमरीकी बिल से कनाडा फायदा उठा सकता है। पिछले हफ्ते मंजूर होने वाली कानून साजी ने शुमाली अमरीका में कहीं भी असेंबल होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तरजीही टैक्स का तरीका कार वजह किया। शुमाली अमरीका में बनाए गए इस नुक्ता नजर ने महीनों तक जारी रहने वाली कनाडा अमरीका की हंगामा खेजी पर खुशगवार हल लाकर कुछ खबरों की सुर्खियां बनाई। बिल के असरात आखिरकार सरहद के इस पार दूर दराज कैनेडियन कानकुनी के कम्युनिटीज तक महसूस किए जा सकते हैं। माहरीन के मुताबिक ये एक अहम मसला है कि मुस्तकबिल की गाड़ियों को ताकत देने वाली अहम मादियात के हुसूल के लिए अपने अजीम जुग्राफियाई सियासी हरीफ चीन पर इन्हिसार करने के बारे में अमरीकी तशवीश बढ़ रही है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान का कहना था कि अलकायदा के सरबरा एमन अल जवाहिरी की हलाकत के सबूत मौजूद हैं। अफगान इनखला से आज हमारे पास नए आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए ज्यादा वसाइल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान नेट प्राइस ने कहा है कि अफगानिस्तान में फौजी मिशन के खात्मे का मतलब सिफारती और फलाही मिशन का खात्मा नहीं है। एक साल में अमरीका ने तहफ्फुज के गैर मामूली इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि तालिबान हुकूमत अफगान आवाम से किए गए वादों की पासदारी करेगा। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अलकायदा के सरबरा एमन अल जवाहरी की हलाकत के सबूत मौजूद हैं। अफगान इनखला से आज हमारे पास नए आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ज्यादा वसाइल हैं। नेट प्राइस ने कहा कि नए आलमी चैलेंजेस में मौसमियाती तब्दीली, रूसी जारियत और चीन से मुकाबला शामिल हैं। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि जौहरी मुआहदे के लिए ईरान को हर सूरत एटमी हथियारों की तैयारी तर्क करना होगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस के दौरे ताइवान पर चीन का रद्द अमल गैर जिम्मेदाराना है। चीन ने अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के दौरे ताइवान के पेश नजर एक बार फिर जंगी मशकें शुरू कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के दौरे ताइवान के पेश नजर एक बार फिर जंगी मशकें शुरू कर दी। चीनी फौज के बयान के मुताबिक फोर्सेस ने ताइवान के इर्द गिर्द
समंदर और फिजाई हदूद में जंगी मशकों का अहतमाम किया। इससे कबल चीनी फोर्सेस ने अमरीकी ऐमान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के मौके पर जंगी मशकों का इनेकाद किया था। अमरीकी कानून साजों के एक वफ्द के दौरे ताइवान और क्यादत से मुलाकात पर दोनों ममालिक के दरमियान तनाजा मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दो रोजा गैर ऐलानिया दौरा बीजिंग की जानिब से खुद मुख्तार जमहूरी ताइवान के अतराफ समंदर फिजा में जंगी जहाज मिसाइल और जेट तैयारे भेजे जाने के बाद किया गया, जिसके बारे में चीन का मौकफ है यह खिता इसका हिस्सा है और एक दिन जम कर दिया जाएगा। चीनी फौज की ईस्टर्न थिएटर कमांड के तर्जुमान शी यी ने कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करने का अजम दोहराते हुए अपने बयान में कहा कि यह अमरीका और ताइवान की जानिब से की जाने वाली सियासी चालें और ताइवान में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ इकदाम हैं। ताइवान ने इल्जाम आयद किया है कि चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे को बहाना बनाकर मशकें शुरू की जो जजीरे पर हमले की तैयारी है। अमरीकी वक्त के दौरे के जवाब में बीजिंग ने वाशिंगटन से मुतालबा किया कि अमरीका ऐसे इकदाम से गुरेज करे जो चीन मुखालिफ हैं और वन चाइना उसूल मस्क ना करे, ताकि चीन अमरीका ताल्लुकात और ताइवान में अमन इस्तेहकाम को मजीद नुकसान ना पहुँचे। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.